सम्मान नागरिक संहिता को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला आदिवासी संस्कृति और परंपरा के संरक्षण और संवर्धन के लिए है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हो रही कांग्रेस की बैठक पर तंज कसते हुए कहा कि अब हड़बड़ी में कांग्रेस है, आपस में फेरफुट और विरोध इतना है कि प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति जारी करते हैं और फिर प्रदेश प्रभारी जारी करते हैं। कांग्रेस के अंदर संघर्ष देखने को मिल रहा है, दोनों काम कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं मालूम है। संघर्ष से बचाने के लिए आनन फानन मीटिंग बुलाई गई है। आदिवासी संस्कृति और आदिवासी परंपरा और यूनिफाइड सिविल कोड का जो मामला है, ये संस्कृति को संरक्षण देने के लिए, बचाने के लिए, संवर्धन करने के लिए है। किसी समाज को और समाज के किसी रीति नीति को बदलने के लिए कोई जो भी आज ये पूरे देश में कानून है, अलग अलग समाज के अलग अलग कानून हैं, और मुझे लगता है कि ट्राइबल के कानूनों में, कानून उनकी परंपराओं में कोई अलग से यूनिफाइड सिविल कोड का कोई असर नहीं है। अब हड़बड़ी में है कांग्रेस, आपस में फिर फुटबॉल इतना हो रहा है, विवाद इतना है, विरोध इतना है। एक सूची कोई प्रभारी जारी करती है, दूसरा प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष जारी करता है, दोनों काम कर रहे हैं कि दोनों काम नहीं कर रहे हैं ये नहीं मालूम है। तो कांग्रेस के अंदर जो आज संघर्ष दिख रहा है, उस संघर्ष को बचाने के लिए उन्होंने आनन फानन मीटिंग बुलाई। भारतीय जनता पार्टी लगातार सघन अभियान चल रहा है, उससे उनको इतनी ज्यादा बौखलाहट क्यों हो रही है? केंद्र का नेतृत्व यदि आ रहा है, केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, केंद्र सरकार के 9 साल की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रहा है, तो इससे बड़ी अच्छी बात और क्या है कि देश में जो अभूतपूर्व विकास 9 साल में हुआ उसको चिन्हांकित करने का काम कर रहे हैं। और अमित शाह जी आ रहे हैं, नड्डा जी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह जी आ रहे हैं, तो ये निश्चित उनके पास तो एक राहुल गांधी के सिवाय कोई दूसरा नेता नहीं है, इसलिए उनको विदेश से मंगाने की जरूरत पड़ेगी।